हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण विभाग देखेंगे बच्चों, मराठी का पहला चैप्टर है, उसमें शब्दांचा जाति। 8 स्टैंडर्ड तक तो आपको पता है नाम सर्वनाम, पहले विकारी शब्द अविकारी शब्द, वैसे तो सारे बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी आगे भी इसके उसके बारे में 10 तक बेस है आपका बच्चों, ये जानना और भी ज़रूरी है, ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बेस है, अच्छे से आपको परफेक्ट करना है इसके बारे में। तो हम आज शब्दांचा जाति देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं उसको इंग्लिश में। पहले देखेंगे बच्चों भाषा मतलब क्या। विचारांचे देवाणघेवाण करण्याचे माध्यम म्हणजे भाषा। भाषा बच्चों, हम अपने विचार का लेन देन करते हैं किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। अपने विचारों की ट्रांसपरेशन करते हैं हम, थिंकिंग की, उसको क्या कहते हैं, उसका जो माध्यम है वो क्या है, भाषा। अपने विचार लेन देन करते हैं उसको क्या कहते हैं, भाषा। वाक्य का मतलब क्या होता है, शब्दाचा अर्थपूर्ण समूहाला, शब्दांचा अर्थपूर्ण समूहाला वाक्य असे म्हणतात, किंवा अक्षरांच्या समूहाला, शब्दांच्या समूहाला वाक्य म्हणतात। आणि शब्द मतलब क्या, अक्षरांचा समूह। पहले भाषा आती है, फिर क्या आता है, शब्द। शब्द मतलब अक्षरांचा समूह, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, और शब्द वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य हे शब्दापासून बनलेले असते, वाक्यातील वापरले जाणारे शब्द वेगवेगळी कार्य करतात। शब्दांचे असे 8 कार्य असतात, वाक्य जो है वो शब्द से बने हुए रहते हैं, और वाक्य में जो यूज़ किए हुए शब्द रहते हैं वो अनेक अलग अलग कार्य करते हैं, और ऐसे ही 8 कार्य करने वाले शब्द की जातियाँ हैं। त्या कार्यावरून शब्दाच्या 8 जाती चे प्रकार पडलेले आहेत, त्यामध्ये दोन शब्दांजाती मेन दोन आहेत, एक विकारी शब्द आणि दुसरा अविकारी। एक पहला विकारी शब्द सव्यय और अविकारी अव्यय। अभी विकारी शब्द में आता है बच्चों नाम मतलब नाउन, दूसरा सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, चौथा आता है क्रियापद वर्ब। ओके बच्चों, फिर अविकारी शब्द में आता है क्रिया विशेषण अव्यय एडवर्ब, शब्दयोग्य अव्यय प्रीपोजिशन, व्यानव्यय अव्यय कंजक्शन, केवल प्रयोग्य अव्यय इंटरजेक्शन। ओके, ये जो है ना क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोग्य अव्यय, व्यानव्यय अव्यय, केवल प्रयोग्य अव्यय, ये अविकारी शब्द है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द पहले देखते हैं क्या है। विकारी शब्द किंवा सव्यय म्हणजे बदल होणे। विकारी शब्द मतलब क्या, या शब्दांचा वाक्यात उपयोग करताना त्यांच्या मूळ रूपात बदल होतो। येथे नाम सर्वनाम विशेषण व क्रियापद हे विकारी शब्द आहे। मतलब विकारी जो शब्द है नाम सर्वनाम विशेषण, उन शब्दों से वाक्य में क्या होता है, उनके मूल रूप में बदल होता है, उसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द ऐसे कहते हैं। उसमें नाम आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रियापद आता है, ठीक है, और उससे वाक्य में बदल होने के बाद वाक्य का अर्थ भी बदलता है। इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, विकारी शब्द। ओके, नेक्स्ट है अविकारी शब्द। अविकारी म्हणजे अव्यय किंवा अव्यय म्हणजेच बदल न होणे। इन शब्दों से वाक्य में उनके मूल रूप में बदल नहीं होता है। उसमें आता है क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोग्य अव्यय, व्यानव्य अव्यय और केवल प्रयोग्य अव्यय। ठीक है बच्चों, तो हम एक एक करके सबका डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। ओके बच्चों, तो पहले नाउन मतलब नाम की व्याख्या मतलब डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। प्रत्यक्षात असलेल्या किंवा कल्पनेने जाणलेल्या कोणत्याही वस्तूला, व्यक्तीला किंवा ठिकाणाला जे नाव दिले जाते त्यास नाम असे म्हणतात। मतलब प्रत्यक्ष में मतलब जो सामने है या काल्पनिक वस्तु ये है, किसी वस्तु को, किसी विशिष्ट पदार्थ को या तो काल्पनिक वस्तुओं को जो पर्टिकुलर नाम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा नाम, नाउन कहते हैं। ओके, तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ बच्चों, अंडरलाइन किए है, मैं सेंटेंस बता रही हूँ उसमें अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है वो नाम है। रमेश आणि सुरेश ही मुलांची नावे आहेत, रमेश सुरेश ये लड़कों के नाम है। पुस्तक आणि पेन्सिल ही वस्तूंची नावे आहेत, पुस्तक और पेन्सिल ये वस्तुएं के नाम है।
वड व पिंपळ ही झाडांची नावे आहेत. वड आणि पिंपळ ये क्या है पेड़ों के नाम है. सीता आणि स्वरांगी ही मुलींची नावे आहेत. सीता आणि स्वरांगी ही ये लड़कियों के नाम है. ओके ये जो पर्टिकुलर नाम है सारे क्या है नाउन है. अभी हम बच्चों सर्वनाम देखते हैं. सर्वनाम मतलब उसकी डेफिनेशन है वाक्यात पुनः पुनः येणाऱ्या नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला. सर्वनाम संज्ञा के बदले जो शब्द उपयोग में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं सर्वनाम. बार बार संज्ञा ना आए अपने वाक्य में इसलिए उसी जगह पे सर्वनाम का उपयोग किया जाता है. ठीक है बच्चों तो मैं एक इधर पैराग्राफ पढ़ रही हूँ और फर्स्ट पैरा सेकेंड पैरा. ठीक है उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए देखिए. पहले पैराग्राफ में है जुलिया बरीच उंच होती. जुलिया दिसायला सुरेख होती. सायकलवरून फिरायला जुलियाला खूप आवडे. जुलियाचे बाबा जिल्हाधिकारी होते. जुलियाचा बंगला अगदी शहराबाहेर फार दूर होता. मी संध्याकाळी खेळायला जुलियाकडे जात असे. इस पहले पैराग्राफ में देखिए जुलिया 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 हर बार उस लड़की का नाम लिया गया है. ठीक है उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं हम. जुलिया बरीच उंच होती. ती दिसायला सुरेख होती. सायकल वरून फिरायला तिला खूप आवडे. तिचे बाबा जिल्हाधिकारी होते. तिचा बंगला अगदी शहराबाहेर फार दूर होता. मी संध्याकाळी खेळायला तिच्याकडे जात असे. आपको इस अंडरलाइन किया है हर एक शब्द में मतलब नाउन में और प्रोनाउन में. बच्चों आपको ये देख के ही समझ में आया होगा कि जूलिया के फर्स्ट पैसेज में जूलिया के बदले सेकेंड पैराग्राफ में क्या किया है प्रोनाउन का यूज़ किया है. मतलब फर्स्ट लाइन में फर्स्ट सेंटेंस में जूलिया ही है. दूसरे शब्द जिधर जूलिया फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किया उसके बदले ती ये सर्वनाम का उपयोग किया गया है. उसके बाद तिला सेकेंड सेंटेंस में जूलिया के बदले तिला यूज़ किया है. जूलियाचे तिचे ये सर्वनाम यूज़ किया है. जूलियाचा तिचा ये सर्वनाम यूज़ किया है. तिचाकड़े जूलियाकड़े के बदले तिचाकड़े ये सर्वनाम का उपयोग किया गया है. मतलब नाउन के बदले संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं सर्वनाम. मराठी में बच्चों ये मुख्य सर्वनाम होते हैं. देखिए मी अम्मी तू तुम्मी तो ती ते हा ही हे जी जो जे कोण काय आपण स्वतः ही सर्व क्या सर्व का आहेत प्रमुख सर्वनामे आहेत. ये शब्द सर्वनाम है. अभी सर्वनाम के रूप होते मतलब जैसे देखिए मैं मुझे मेरे लिए है ना ऐसे होते मैं इसे रिलेटेड शब्द. वैसे ही मी से रिलेटेड शब्द कौन से होते मला माझी माझा माझ्याकडे माझ्याशी माझ्याहून इत्यादि. ये आप बच्चों 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो फिर भी आपको रिवीजन के लिए ये शब्द ये सब आना चाहिए. आम्मी आमाला आमचे आमच्याशी आमच्यात आमच्याहून इत्यादि. तू तुला तुझा तुझ्याशी तुझी तुझ्यात तुझ्याकडे इत्यादि. तुम्ही तुमचा तुमची तुम्हाला तुमच्या तुमच्याशी इत्यादि. तो त्याने त्याला त्याच्या त्याच्याकडे इत्यादि. ती तिला तिने तिचे तिच्याशी तिची तिच्यात इत्यादि. ते त्यांना त्यांनी त्यांच्या त्यांची त्यांच्याशी इत्यादि. हा ह्याला ह्याने ह्याची ह्याच्यात ह्याच्याहून इत्यादि. हे ह्यांना ह्यांनी यांच्याशी यांच्या ह्यांची ह्यांच्या इत्यादि. ही हिला हिने हिची हिच्याशी ह्यांची इत्यादि. आपण अपणाला अपणास अपणाशी अपणाहून इत्यादि. स्वतः स्वतःने स्वतःला स्वतःशी स्वतःचा स्वतःच्या इत्यादि. ये सब बच्चे हैं बच्चों ये शब्द है ना मी सी रिलेटेड तो सी तुम मी सी अम्मी सी. तो ये जो रिलेटेड शब्द है ना ये अगर वाक्य में रहेंगे तो सर्वनाम कहलाते हैं. ओके बच्चों तो हम आगे देखते हैं. इधर आपको बच्चों स्वाध्याय दिया है नाउन और सर्वनाम के लिए प्रोनाउन के लिए. खालील वाक्यातील सर्वनामे ओळखा. माझे पुस्तक अजयकडे आहे. ये जो शब्द है उसमें माझे ये क्या है सर्वनाम है.
तू काय करशील? तू एक आहे सर्वनाम है, बाबांनी तुला बोलावले आहे, तुला एक आहे सर्वनाम है। खाली सर्वनामाचा वाक्यात उपयोग करा। आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जे मी तू अम्मी। हाँ, अभी जे ये सर्वनाम है तो उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है कि रश्मिला जे पुस्तक हवे ते मला दे। मी काल मी मंदिरात गेलो होतो। तू चिंता करू नकोस, आम्ही दोन दिवसांनी आम्ही गावाला जाणार। हा तुझा कुत्रा आहे। ओके बच्चों, ये भी आपको फिलअप करना है। अभी विशेषण देखते हैं बच्चों हम। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव। ये सब बेसिक हुआ है आपको, फिर भी रिवीजन कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ फटाफट आपको। व्याख्या क्या है विशेषण की? नामा बदल किंवा सर्वनामा बदल विशेष किंवा जास्त माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात। नाउन के बारे में जो शब्द हमें ज़्यादा जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। अभी मैं उदाहरण बताती हूँ फटाक से। हुशार संजय, हुशार या शब्दाने संजय या नामाबद्दल विशेष माहिती सांगितली आहे। मतलब संजय हा हुशार मुलगा आहे। अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हुशार, ये संजय के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है, इसलिए वो हुशार ये शब्द क्या है? विशेषण है। अभी इधर दिया है खालील विशेषण व विशेष्य। अभी ये विशेषण और विशेष्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो आप। विशेषण और विशेष्य बहुत ही क्रिटिकल, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। विशेषण मतलब जो शब्द हमें नाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, और विशेष्य का मतलब होता है जिस शब्द के बारे में हमें जानकारी देनी है, मतलब वो नाउन। आया समझ में? उसको कहते हैं विशेष्य और विशेषण। विशेष्य मतलब नाउन, जिस शब्द के बारे में जानकारी देनी है, और विशेषण मतलब जो शब्द हमें संज्ञा के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। आगड़ी वेगड़ी होड़ी ये शब्द दिया है। आगड़ी उगड़ी, आगड़ी वेगड़ी ये क्या है? होड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है, और होड़ी क्या है? नाउन है। हिरवागार मड़ा, हिरवागार ये विशेषण है, और मड़ा ये क्या है? नाउन है। ठीक है बच्चों, सॉरी हाँ। उसके बाद इधर दिया है कभी कभी एकाच नामाला अनेक विशेषणें लगतात। मतलब एक ही नाउन को बहुत सारे ऐसे विशेषण लगे हुए रहते हैं। मतलब सुंदर, सुगंधी, नाजुक, रंग बिरंगी फुले। काही वाक्यात विशेषण नामाच्या अगोदर येते, तर काही वाक्यात ते नामाच्या नंतर। कई कई बार विशेषण नाम नाउन के पहले आता है, नाउन के बाद भी आता है। मतलब उदाहरण दिया है भरधाव वेगाने तो नाहीसा झाला। भरधाव, अभी इधर नाउन के पहले विशेषण आया हुआ है, त्याने पांडरा शर्ट घातला। शर्ट क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले आया हुआ शब्द है पांडरा। ओके, ऐसे कई कई बार होता है, तभी विशेषण हमें तुरंत समझ में आना चाहिए। अभी स्वाध्याय दिया है खालील वाक्यातील विशेषणे ओळखून लिहा। गरिबीवर मात करून निलेशने शिक्षणात उत्तुंग भरारी मारली। उत्तुंग शिक्षण के बारे में, निलेश के बारे में शब्द ज़्यादा जानकारी देता है उत्तुंग। हिमालयाच्या शिखरावर काळे ढग दाटले। काळे ये क्या है? विशेषण। नेपाळ छोटा सा देश आहे, छोटा सा ये विशेषण है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कौन सा दिलेले विशेषणाचा मतलब योग्य, आपको क्या करना है? फिलअप करना है वो। ठीक है बच्चों, और इधर क्रियापद के बारे में भी दिया है। विशेषण होने के बाद क्रियापद, विकारी शब्द आज जानते हैं हम। क्रियापद के बारे में देखिए बच्चों, क्रियापद मतलब वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियादर्शक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। मतलब देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, अगर क्रियावाचक जो शब्द होता है ना, जैसे मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, लक्ष्मण पेरू खातो। इस वाक्य में बच्चों अगर खातो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, अगर ये शब्द यूज़ नहीं करते उस वाक्य में, तो अगर मैं वो वाक्य ऐसे प्रोनाउंसिएशन उसका करते, मतलब लक्ष्मण पेरू अगर ऐसा बोलती, तो उस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता। वो पेरू खा रहा है, वो पेरू फेंक रहा है, या तो पेरू ले रहा है, उसका अर्थ नहीं समझ में आता। ठीक है, अगर मैं उस वाक्य को एक पर्टिकुलर सा वर्ड, मतलब क्रियावाचक वर्ड, वो पेरू खातो, मतलब लक्ष्मण पेरू खातो, अगर यूज़ करूँगी तो उस वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है, पूरा होता है। ठीक है बच्चों, तो लक्ष्मण पेरू खातो, खातो ये जो शब्द है क्रियावाचक शब्द, उस शब्द से उस वाक्य का अर्थ पूरा होता है, इसलिए उसको
क्रियावाचक शब्द कहते हैं उसको क्रियापद कहते हैं। ओके बच्चों, सीमा अभ्यास करते करते जो शब्द है वो क्रियावाचक शब्द है, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, क्रियापद कहते हैं। अभी इसके बारे में दिया है बच्चों, क्रियापद आया सुरुवातीला, कई कई बार क्रियावाचक शब्द आता, एक होता राजा, क्रियापद वाक्याच्या मध्ये येतं, आई जेवण करते, कई कई बार क्रियापद जो रहता है वाक्य के पहले वाक्य के बीच में आता है, पहले भी आता है, मतलब दिले त्याने सगळे, त्याने सगळे दिले, ऐसा भी वाक्य हो सकता था, दिले त्याने सगळे, मतलब उसने दिया सब उसने, लाइक दैट, ऐसे आई जेवण करते वाक्याच्या शेवटी येणे वाक्य के बाद भी आता है। उसके बाद अभी इधर दिया है बच्चों क्रियापद के बारे में स्वाध्याय दिया है, उद्या मी शाळेत लवकर जाणार, खालील वाक्यातील क्रियापद ओळखायचं आहे, जाणार पहले में आता है, हे कमळाचे फूल अतिशय सुंदर आहे, इसमें आता है आहे हे। दूसरा प्रश्न दिया है कंसातील क्रियापद योजून योग्य वाक्यात रिकाम्या जागा भरा, सीमा टीव्हीवरील बातम्या पाहते, सूरज सकाळी व्यायाम करतो आणि तो आईला पत्र लिहितो। तो आज बच्चों हम विकारी शब्द के बारे में जानकारी लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रियाविशेषण अव्यय इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, तो आपको क्रियाविशेषण क्रियापद तक आपको फिलअप करना है, ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में विकारी शब्द अविकारी शब्द के बारे में देखेंगे।